सत्नमो आदेश, गुरु महाराज जी को आदेश। आज हम आपके पास सामने एक विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सनातन, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म और सनातन पद्धति के बारे में आज हम विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह सनातन पद्धति हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और किस तरीके से हमने सनातन धर्म और इस पद्धति को अलग अलग रूपों में विभाजित करके मानवता के प्रति अपराध किया है। तो धर्म सनातन की अगर हम बात करें तो पहले हम दो भागों में इसे विभाजित कर लेते हैं। एक तो शब्द है कि सनातन, सनातन का मतलब है शाश्वत, इटर्नल, जिसका कि उदय के बारे में पता नहीं है, जिसका कि अंत के बारे में पता नहीं है, यानी कि वो हमेशा से चला आ रहा है शाश्वत विज्ञान। यह किसी व्यक्तित्व विशेष के बारे में भी कहा जा सकता है, जैसे कि परमपिता परमेश्वर के बारे में या शिव शंभु भोलेनाथ के बारे में। किंतु सनातन पद्धति एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, नियमों या अपने जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उनके एक सेट्स हैं, उनका एक सूचीबद्ध तरीका है जिससे कि हमें अपने जीवन को सुचारू जीवन के रूप में जीने का एक लेसन मिलता है, एक अध्याय मिलता है। तो सनातन पद्धति की उत्पत्ति के बारे में अगर हम विचार करें तो सनातन पद्धति केवल हमारे जो व्यक्ति विशेष, जैसे कि मनुष्य जाति के रूप में हम जब सामने आए तो वह जब प्रकृति और प्राकृतिक जो संसाधन है उनके बारे में समझ पैदा करने लगा, उन्हें यूज करने लगा, उन्हें इस्तेमाल करने लगा और धीरे धीरे इन संसाधनों को अपने तरीके से बढ़ाने भी लगा, तो आदमी ने ये महसूस किया कि प्रकृति और प्रकृति के साथ तरीके से, मर्यादित तरीके से जिंदगी जीना भी एक कला है। तो इसी मर्यादित तरीके को हमने सनातन पद्धति का नाम ले लिया। अब सनातन पद्धति कोई ऐसा व्यक्ति विशेष का धर्म या विचार नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और प्राकृतिक जो नियम है उसके अनुरूप अपने मानव जीवन को आगे लेकर के चलने का एक तरीका है। तो सनातन पद्धति को हमारे जीवन में सही तरीके से उतारना ही योग मार्ग है। तो सनातन पद्धति को योग मार्ग से इसलिए लिया जाता है कि यह हमें यह बताता है कि किस तरीके से हमें जिंदगी के विभिन्न रूप, जैसे कि अपना डेली रूटीन, उठना बैठना, रहन सहन, खाना पीना, वस्त्र पहनना और जितने भी अपने शारीरिक और सामाजिक क्रियाकलाप है उसको कैसे हम एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जिए और अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ परिवार का विकास, समाज का विकास, देश का विकास और पूरी मानव जाति का विकास करें। तो सनातन पद्धति के बारे में आलेख बहुत सारे हैं हमारे पास। सनातन पद्धति के बारे में बहुत से ऋषि महर्षियों ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करने का जो काम किया है। अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण की तो एक श्लोक आता है, कृते च प्रति कर्तव्यमेश। यह श्लोक हमारे सुंदरकांड के पहले सर्ग में लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि सनातन पद्धति जो हमारा जो धर्म है वह दूसरों के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उनको सिखाता है। तो किस तरीके से हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें सुचारू रूप से उनके साथ व्यवहार करते हुए हर एक जीव को, हर एक मनुष्य को और प्रकृति के हर एक जो अंग है उसको नियमित रूप से उसका सम्मान करते हुए उसका जो है उपभोग भी करना है और उसको बढ़ाने व उसके जो डेवलपमेंट के लिए उसको आगे लेकर के चलने में, उन्नति करने में उसकी सहायता भी करनी है। तो सनातन एक ऐसा तरीका जिससे कि हमें प्रकृति को जोड़ना सिखाता है और
हमारे जो मूलभूत तत्व जैसे कि प्रकृति, माँ भगवती जो कि पंच तत्वों का ही रूप है, तो पंच महाभूतों में जल, थल, अग्नि, आकाश, पवन ये आते हैं। उन सभी तत्वों का जो हमारा दोहन करना और जिससे कि हम बने हैं, जैसे कि हमारा सनातन कहता है कि पंच महाभूतों के समावेश से ही हमारा जो है शरीर बना है, तो हमको प्रकृति से अलग नहीं माना गया है। तो बड़े ही सुंदर विचार हैं ये। तो वेदों की अगर हम बात करें, वेद में, अथर्ववेद में एक श्लोक आता है, सनातन मेन महुरुक्ताया स्यात् प्रणुपा, अर्थात अथर्व के वेद के जो 10वें खंड में, 10.8 खंड में ये बताया गया है कि सनातन एक ऐसी जीवन जीने की कला है जो कि कभी भी पुरानी नहीं होती है, वह हमेशा ही नवीन रहेगी। तो अब हम दूसरे पक्ष की तरफ जाते हैं कि धर्म। धर्म जो है हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, और धर्म केवल किसी एक कम्युनिटी, किसी एक मनुष्य जाति से संबंधित नहीं होता है। धर्म का मतलब है डिसिप्लिन में रहना, अपने आप को अनुशासन में रखना। तो सनातन पद्धति जो कि सारे मनुष्यों के ऊपर, सारे जीव जंतुओं के ऊपर, सभी वनस्पति के ऊपर समान रूप से लागू होती है, उसी तरीके से धर्म और डिसिप्लिन में रहने की जो पद्धतियां हैं, वह भी हर एक धर्म, जाति, संप्रदाय और फिरके के ऊपर समान रूप से लागू होनी चाहिए। और बड़े ही दुख का कारण और ये भी है कि हम सनातन पद्धति से हट करके अलग अलग धर्मों में बंट गए, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई या अलग अलग जितने भी धर्म है। किंतु जो मनुष्य है, मनुष्य जाति का जो हमारा जो मूलभूत जो बेसिक जो गुण धर्म है, उसको भूल करके हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में लग गए, और अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और दूसरे धर्म को छोटा समझना या छोटा उसको आंकना, यह हमारे जो सनातन पद्धति में कहीं भी लिखा नहीं गया था, और ना ही यह हमारे प्राकृतिक जो हमारी प्रकृति है उसमें लिखा गया है, और ना ही हमारे स्वभाव में है। तो अगर आप एक धर्म या दूसरे धर्म से संबंधित रखते हो तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप पर जो कुदरत के जो नियम है, कानून है, वह समान रूप से लागू होते हैं। अगर आप दूसरे के धर्म को नीचा साबित करना है या अपने आप को वर्चस्व में बढ़ाने के लिए साबित करना है, तो इसका मतलब आप सही तरीके से धार्मिक हो ही नहीं पाए हैं। और आगे चलकर हम अगर अध्यात्म या योग क्रियाओं की बात करें, तो अगर हमको अध्यात्म या योग क्रियाओं को सही रूप से देखना है, तो प्रकृति के साथ जुड़कर देखना है, और साथ में हमें सही तरीके से पद्धतियों का अनुपालन भी करना है। तो अगर हम छोटी सी बात करें कि हिंदू धर्म, सनातन कैसे ये आपस में जुड़ गया, तो इसमें सिर्फ इस बात का संज्ञान लेना जरूरी है कि हमारे किसी भी शास्त्र, वेद या पुराण में हिंदू नाम का कोई भी शब्द नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार यह शब्द भाषा का कोई अपभ्रंश है, और कुछ मतों के अनुसार हमारे विदेश से जो आक्रमणकारी आए थे, वह सिंधु नदी के पास थे आए, और उन्होंने देखा कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास और दूसरी जगह में भी बहुत से लोग और सभ्यताएं पनप रही हैं। क्योंकि वह सिंधु स शब्द को सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए हा या हिंदू उससे रिलेटेड वो शब्द बोलने लग गए। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाली जो सिविलाइजेशंस थी, जो सभ्यताएं थी, उनको
हिंदू या हिंदू कम्युनिटी हिंदू सभ्यता से लेना गया, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको हिंदू नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो अगर हम इन चीजों में फंस गए कि भी ये बड़ा है वो छोटा है, या हिंदू या मुसलमान, जो भी सभ्यताएं हैं, पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई, तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी जो बेसिक जो नेचर है, हमारे जो मनुष्य की जो नेचर है, उससे हम दूर जा रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सनातन पद्धति इंसान से जुड़ी हुई वो सभ्यता की पद्धति है जिसको कि प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चलना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी सनातन पद्धति किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिपादित कोई धर्म नहीं है। यह अनेक ऋषियों महर्षियों व हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया जो अनुसंधान है उस पर आधारित है। इस अनुसंधान में हमारी औषधियां भी हैं, हमारे जो कुदरती तौर पे जो हमको चीजें मिल रही हैं, पानी, जल, वायु और अन्य प्रकार के जो अनाज हैं और चीजें भी मिल रही हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का भी तरीका है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी औषधि को इस्तेमाल करने के तरीके के लिए हमारे ऋषि मुनिषियों ने बहुत सारे अनुसंधान या रिसर्च की होगी। तो इसी रिसर्च के आधारित पर उन्होंने ये चीजें लिखी। तो ये तो रही धर्म सनातन की बात। तो अगर हम सही तरीके से अध्यात्म और योग क्रियाओं के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो आत्मा है और सूक्ष्म शरीर है उसको और बाह्य शरीर को किस तरीके से तालमेल में लेकर के आना है। और साथ में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको अपनी मानसिक व्यवस्थाएं सही तरीके से उच्च स्तर पर रखनी है, जो कि हमारे धर्म सनातन में बताई गई है। तो कृपया इस बात को भी ध्यान में रखा जाए तो कि हमारे जो ऋषि महर्षियों ने मनुष्यवत जो प्रकृति है उसका जो ऊंचा जो स्तर है उसको बनाया है, तो हमें उस स्तर को उस लेवल तक मर्यादित रखना है। तो ये तो रही बात सनातन धर्म और उसकी उत्पत्ति के बारे में। हम आने वाले वीडियो में बहुत से ऐसे रोचक अनुभव और कुछ विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स के बारे में सही समय पर जानकारी और नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।